सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी रेसिपी। तो चलिए बनाने के लिए हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, जो कि हमने नींबू से अच्छी तरह से धो लिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नमक से भी धो सकते हैं दोनों। हमने ये लिया है धनिया पाउडर और ये लाल मसाला और ये क्या है गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर और ये जीरा पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है कि नहीं। हाँ, इन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और हम इसमें 1-2 चम्मच ये जो हम कूट के रखे थे क्या अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हम 2 चम्मच डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और हम इसमें 1 वाटी दही ऐड कर देंगे, नमक हम मिक्स कर देंगे इसमें स्वाद अनुसार। फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको फिर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए फ्रीज में रख देंगे। हाँ, हमने फ्रिज में इसको रख दिया, आप देख सकते हैं। गाइस, हम बंद कर देते हैं इसको। बिरयानी बनाने के लिए हमने ये 1/2 किलो चावल लिया है, जितना चिकन उतना ही चावल। तो ये राइस का चावल है, हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे पानी डाल के 3-4 पानी से, और हल्के हाथों से धोएंगे, ज्यादा नहीं मलेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ऐसा करेंगे ना तो ये वो रहता है क्या, नाजुक रहता है। हाँ, नरम रहता है और टूट जाएगा, इसलिए मैं हल्को हाथों से ही इसको धो लेंगे है कि नहीं। इसके ऊपर एक पतीला हम रख देंगे। पतीला हमारा गर्म हो गया है तो हम उसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये राइस धो के हो चुका है और हम 10 मिनट के लिए ये पानी में ही छोड़ देंगे इसको। जो हमने पतीले में पानी रखा था और ये पानी गर्म हो गया है तो हम इसमें ये मिक्स कर देंगे क्या, ये है कि लौंग है, इलायची है और ये है दालचीनी और ये फूल वगैरह, डगर फूल और ये लौंग और ये है कि तेज पत्ता और ये साथ में नींबू भी डाल देंगे हाँ कि नहीं। अब हम इसमें ये नींबू भी डाल देंगे कटे हुए। हाँ, हम इसका बिया निकाल ली हूँ और हम और डाल देंगे इसमें ये पुदीने कटे हुए और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें तेल। हाँ, थोड़ा ही डाल, इतना सा डाल देंगे तेल। तेल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि चावल खिले खिले रहने चाहिए और नींबू से भी चावल खिले रहते, खुले खुले। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम नमक। हाँ, डाल देंगे नमक। हाँ, इसको हम ढक देंगे और सॉरी गाइस, मैं आपको नहीं दिखा सकी, इसमें हमने राइस डाल दिया है और ये पानी हमारा गर्म हो गया है। हमको इसको कच्चा पक्का बनाना है, ज़्यादा पकानी नहीं है, तो हम थोड़ी इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, पक जाएगा तो आपको दिखाएंगे। गाइस, ये हमारा कच्चा पक्का चावल बन गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छान लेंगे अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। गाइस, क्या करें, लाइट ही चले गया था, अभी किचन में तो बहुत अंधेरा था, इसलिए हम नहीं आ सके वीडियो बनाने के लिए। बहुत तो ये ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, फिर अभी चलेंगे चिकन की तैयारी करने के लिए। हाँ, आपको ना चावल ज़्यादा नहीं पकाना है, इतने से पकाना है, 90% नहीं 80% आपको चावल पकाना है। देखो, इतना सा पकाना है बस, इस तरह ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पूरा गल जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम उसमें डाल देंगे तेल। आप देख सकते हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे उसमें अच्छे मसाले, जो कि लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और ये सब कुछ हम डाल देंगे इस तरह से। ये डालेंगे तेज पत्ते भी डाल देंगे इसको। और ये अच्छा मसाला जो है ना, पटपटे हो गए हैं, अब उसमें हम कटे हुए बारीक प्याज डालेंगे, 1 से 1.5 पाव प्याज हमने जो कट करके रख लिए थे, आप देख सकते हैं। गरम मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू आता है। हाँ ना, वो तो आता ही है बिरयानी और चिकन वगैरह में ये सब डालते ही रहते लोग। हाँ, तो आप भी हमारे जैसे ही बिरयानी बनाइए और ट्राई कीजिए हमारे जैसे बनाने के लिए। हाँ, और ये इतना ब्राउन लाल करना है खाने को। 1 घंटा इसको जो फ्रिज में रखा था तो हो गया ना मेरी मेट।
मैरिनेट। हाँ भाई मैरिनेट, मुझे भी इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, सीखना पड़ेगा मुझे लगता है कि नहीं। इधर देखो ये गाइस, तो यहाँ हल्का सा ये चॉकलेट कलर हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ना चिकन, चिकन को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। टमाटर की चिकन हमारा पक चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए वाव, गल गए ना टमाटर, सॉफ्ट हो गए ना टमाटर, नहीं सॉरी। अभी हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए बारीक टमाटर ऊपर से, और ये मिर्ची डाल देंगे जो कि हमने ये बीच से चीर दी है। इस तरह से हरी मिर्चियाँ डाल देंगे है? इस तरह से सब डाल देंगे। और ये डाल देंगे करी पत्ता, और ये कटे हुए पुदीना, और ये कोथमीर डाल के हम इस तरह से रख देंगे। इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों हम एक टोप में चावल फैला के डाल देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। फिर ऊपर से हम डाल देंगे चिकन चारों तरफ से घुमा के। ये देखिए हम कैसे डाल रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही बनाइए हमारे जैसा। फिर हम उसके ऊपर से चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद फिर क्या डालेंगे खुशबू पता है? चिकन। हाँ चिकन डालेंगे, आप देख सकते हैं गाइस। अगर हमारे वीडियो में कोई भी गलती हुई तो मुझे सॉरी, और मुझे कमेंट कीजिए अगर आपने ऐसी बिरयानी बनाई है तो कमेंट में कीजिए, जरूर बताना। अब हम बिरयानी में डालेंगे ऑरेंज और ग्रीन यानी फूड कलर डाल देंगे, और कटे हुए पुदीना और कोथमीर भी डाल देंगे ताकि हमारे बिरयानी में बहुत खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हम पुदीना और ये कोथमीर डाल रहे हैं कटे हुए। फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे केवड़े के बाटल से थोड़े से केवड़ा, आप भी डाल सकते हैं हमारी तरफ से। फिर हम ढक के 5 मिनट के लिए स्लो गैस में हम इसको पका लेंगे, और ऊपर से वजन चीज़ रख देंगे, और फिर हम कोयले का भाप देंगे। आप देख सकते हैं हम कोयला गर्म कर रहे हैं। फिर कोयला हमारा गर्म हो गया है, फिर हम एक वाटी में ये कोयले को रखेंगे ढक्कन खोल के। कोयले के रखने के बाद हम उसमें डाल देंगे देसी घी। तो आप देख सकते हैं गाइस ये इस तरह हम देसी घी डालने जा रहे हैं। तो आप देखिए हाँ, फिर हम इसको ढक देंगे और अच्छी तरह से भाप मतलब धुआं नहीं निकलने देंगे ताकि खूब खुशबू हो जाए। वजन चीज डाल देंगे, आप भी बनाइए। तो हमारी ये बिरयानी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं गाइस। हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे, बिरयानी 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 हो गई हमारी, बिरयानी बन के तैयार। तो देखिए वाह वाह कितना अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, और गर्मा गर्म मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो खाने जा रही कचूमर के साथ, आप लोग भी खाने गए तो आ जाइए, और मुझे कमेंट में कीजिए कि हमारी बिरयानी कैसे बनी है। थैंक यू।